हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य दुबे। वेलकम बैक टू अनदर डेली एमबीपीएससी एमसीक्यू पार्ट 6 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्लीज प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिए जो मैंने डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू के लिए बनाई है। और यदि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2, या अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विंटर सीजन को एमपी में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सियाला। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीजन्स होते हैं जैसे विंटर सीजन, रेनी सीजन और समर सीजन, उसको एमपी की लोकल भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि विंटर सीजन को सियाला कहा जाता है। अगर बात की जाए यूनाला की तो ये कहा जाता है समर सीजन को। ओके, अब इसकी एग्जैक्ट मतलब मंथ भी रिकॉल कर लेते हैं कि कब से कब तक रहता है यूनाला, कब से कब तक रहता है सियाला। तो अगर यूनाला मींस समर सीजन की बात की जाए तो ये आप जानते हैं कि ये मार्च से लेकर जून तक होता है। ओके, अगर सियाला मींस विंटर सीजन की बात की जाए तो ये रहता है अक्टूबर टू मार्च। और अगर चौमासा मींस रेनी सीजन की अगर बात की जाए तो ये रहता है जून टू अक्टूबर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सियाला इज नोन एज विंटर सीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमिटी का निर्माण किस डेट को किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की। और ये एक 7 मेंबर कमेटी थी। ओके, और इसके चेयरमैन कौन थे ये आप जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज दी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब मैं दूसरी डेट्स को भी रिलेट करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया था। लेकिन अगर इनैक्टमेंट डेट की बात की जाए कि कब प्रभावी हुआ पूरी तरीके से, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। लेकिन अगर मीन्स केम इन टू फोर्स की बात की जाए, मीन्स कब प्रभावी हुआ, तो ये था 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा एक और डेट इंपॉर्टेंट है जो कि है 22 जुलाई 1947। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग। ओके, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो ये डेट है 22 जुलाई 1947। ओके, और इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई, तो वो बनाई थी 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, और इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, 7। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला कैशलेस आइलैंड इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज करंग। करंग आइलैंड जो कि मणिपुर में सिचुएटेड है, वो इंडिया का सबसे पहला कैशलेस आइलैंड बना। और इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरे फैक्ट की, तो ये इंडिया का फर्स्ट कैशलेस आइलैंड होने के साथ साथ इंडिया का सबसे पहला आइलैंड है जिसने पूर्णतः जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। ओके, तो विच ऑफ द गिवन इज इंडियाज फर्स्ट आइलैंड, तो आप क्लिक कर सकते हैं कि ये है करंग आइलैंड। ओके, अब मैं आपको बता दूं मैप में कि करंग आइलैंड सिचुएटेड कहां पे है। जैसा मैंने आपको बताया कि मणिपुर में है, लेकिन इसके साथ कुछ और फैक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स लुक ऑन टू मैप। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया, और अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मणिपुर को अगर थोड़ा सा और जूम किया जाए तो आप देखेंगे लोकटक झील। अब लोकटक झील जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ओके, और यहाँ पे है करंग आइलैंड जो कि सिचुएटेड है साउथ टू केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप जानते हैं कि दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मीन्स अगर बात की जाए इंडिया के परस्पेक्टिव में, तो इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड है केबुल लामजाओ में, जो कि कहलाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और अगर दुनिया के परस्पेक्टिव में बात की जाए, ग्लोबल परस्पेक्टिव में, तो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और आप ये जूम करके देख सकते हैं कि ये करंग आइलैंड है जो कि इंडिया का सबसे पहला कैशलेस आइलैंड बना। ओके, कहां पे सिचुएटेड है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि FSSAI, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रोजेक्ट धूप लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट धूप। ये
किस डेफिशिएंसी को इरेडिकेट करने के लिए लॉन्च किया गया है, मींस किस विटामिन की डेफिशिएंसी को इरेडिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट धूप FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप इजीली गैस कर सकते हैं, धूप। तो ऑटोमेटिकली आपका मन में क्लिक होगा ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन डी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे साइंस से रिलेट करते हैं और हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में मालूम होना चाहिए। विटामिन डी को अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो वो बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को। अगर बात की जाए विटामिन ई को तो इसको बोला जाता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल एक ब्यूटी विटामिन भी होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्यूटी विटामिन, तो ये है टोकोफेरॉल, दैट इज विटामिन ई। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की जो कि है विटामिन सी, तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए आप जानते होंगे ये कहलाता है रेटिनॉल। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट धूप जो FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किस बीमारी को, ये किसकी डेफिशिएंसी को इरेडिकेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये था ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन डी की डेफिशिएंसी को। अगला क्वेश्चन है कि सासन अल्ट्रा मेगर पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब ये आपको बताना चाहूंगा, आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सासन अल्ट्रा मेगर पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में है। तो ये आप इजीली गेस कर चुके होंगे कि ये एमपी में है। ओके, इसके अलावा अगर आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सिंगरौली में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ओके, और इसके साथ में और दूसरे फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 4000 मेगावाट का है। 4000 मेगावाट का है जो कि हमारी एमपी में प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये जो डेवलप किया जा रहा है ये सासन पावर कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस की। ओके, रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी है सासन पावर। कितने वॉट का है? 4000 मेगावाट का है। कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है सिंगरौली में। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या अगर आपको मेरे इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ या किसी भी तरीके की अपडेट चाहिए मेरे चैनल से रिगार्डिंग, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC। इसके अलावा आप फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक आप देख सकते हैं कि facebook.com/AdityaDubeMPPSC। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।